नमस्कार साथियों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। बुक रिव्यू की सीरीज में आज तीसरा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन, जो UPPCS सिविल सर्विसेज के अन्य एग्जाम जैसे UPSC वन डे एग्जाम सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये किताब जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है समसामयिक घटना चक्र, मासिक करंट नोट्स एवं सामयिक आलेख। इस किताब में आपको अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और इसकी खासियत क्या है, खासियतों पर अगर बात करें, सबसे प्रमुख खासियत इसकी ये है कि ये किताब सिविल सर्विसेज वन डे एग्जाम्स के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। बात सिविल की हो या वनडे के लिए हो, दोनों एग्जाम्स के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण ये किताब है। उतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस किताब के इंडेक्स में, इसके डिटेलिंग में। ये इस किताब का इंडेक्स है, कवर पेज बाकायदे आप देख सकते हैं, थंबनेल में इसका कवर पेज लगा भी दिया जाएगा। ये इसका कवर पेज है। इसके इंडेक्स में कवर क्या क्या किया गया है, जैसे सबसे पहले फोकस, हमारी मैगजीन में सबसे पहले जाता है फोकस। फोकस यानी ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, एनालिटिकल। इसमें आपको प्री, मेंस और वन डे एग्जाम्स के फैक्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कवर किया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, PSLV C-57 आदित्यल मिशन जो भारत का पहला सूर्य मिशन है, 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया जाना, 43rd आसियान सम्मेलन, प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा, प्रथम ABDM माइक्रोसाइट, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यहाँ से लेकर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बागवानी फसलें प्रथम अग्रिम अनुमान, ये इसमें कवर किया गया है। ये केवल फोकस की बात कर रहा हूँ। ये फोकस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद अगले हिस्से में आप जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय परिदृश्य मिल जाएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देख सकते हैं सांची भारत का पहला सौर शहर, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, अमृत भारत स्टेशन योजना, और फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का उद्घाटन, G77 शिखर सम्मेलन, थ्रेथा श्रीनिवासन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आर्थिक परिदृश्य देखने को मिलेगा। आर्थिक परिदृश्य में जिसमें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन जुलाई 2023, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2023। इसके बाद जो मिलता है आपको वो वैज्ञानिक परिदृश्य मिलता है, जिसमें विज्ञान संबंधित करंट अफेयर्स होता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी। आजकल भी जो परिदृश्य आ रहा है एग्जाम्स का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये वैज्ञानिक परिदृश्य। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो दिए गए होते हैं, जैसे विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, प्रबल रिवाल्वर, भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, NMO-108 कमल की नई प्रजाति, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। इसके बाद आप जाते हैं तो अस्थाई स्तंभ है। अस्थाई स्तंभ खासकर वन डे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सॉरी,
ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हमने कवर किया है संक्षिप्तिकियाँ, खेल परिदृश्य, मुख्य परीक्षा विशेषांक, संवाद, ज्ञानिकी, सामयिक प्रश्नकोश। इसकी खासियत आप देखिए, संक्षिप्तिकियाँ खासकर जो फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स, जिसमें इसको खोल लेते हैं, संक्षिप्तिकियाँ इसके अंतर्गत नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, निधन, चर्चित स्थल, और किताब में क्या कवर किया गया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। चर्चित स्थल, पुरस्कार सम्मान, पुरस्कार सम्मान, जैसे नोबेल पुरस्कार की बात कर लिया जाए, फिर योजना परियोजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं हैं वो भी कवर की जाती हैं, ऑपरेशन अभियान, जैसे युद्धाभ्यास हो गया या भारत का कोई ऑपरेशन हो गया, आयोग समिति, सम्मेलन समारोह, संधि समझौता, संघ संगठन, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। कहने का मतलब ये है, मैं भी आपको बुक के आगे इंडेक्स में दिखाऊंगा अभी अंदर कि इसमें क्या क्या कवर किया जाता है। संक्षिप्तिकियों का महत्व तो ये है कि जैसे आप स्टेट पीएससी की बात करेंगे, जब स्टेट पीएससी, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी पीसीएस की बात करते हैं, बिहार पीसीएस की बात करते हैं, एमपी पीसीएस की बात करते हैं, उत्तराखंड पीसीएस की बात करते हैं, राजस्थान पीसीएस की बात करते हैं, हरियाणा पीसीएस की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस की बात करते हैं, इन सारी परीक्षाओं में संक्षिप्तिकियों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप खुद देखते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसी सेक्शन से आते हैं, तो प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। अगर आप प्रिलिमिनरी टेस्ट की तैयारी करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है आपकी तैयारी में, और अगर आप इसमें गलत साबित हो जाएंगे, अगर आपने इसमें गलती की, तो आप कंपटीशन की दौड़ जो है उससे बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को सही करना बहुत ज़रूरी है, और इसी सेक्शन से संबंधित सवाल वनडे एग्जाम्स में भी आते हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम्स देख लीजिए, वनडे एग्जाम्स देख लीजिए, उसमें सवाल डायरेक्ट पूछता है, करंट अफेयर से संबंधित सवाल डायरेक्ट पूछता है, जैसे किसी की डेथ कब हुई, कौन अपॉइंटमेंट कहाँ किस पद पे किसका हुआ, या फिर कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें वनडे एग्जाम से खूब ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये जो सेक्शन संक्षिप्तिकियों का सेक्शन है, संक्षिप्तिकियों का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ना केवल सिविल सर्विसेज के लिए, खासकर स्टेट पीएससी के लिए, बल्कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है वनडे एग्जाम्स के लिए। वनडे एग्जाम्स के अतिरिक्त अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, खासकर सिविल में प्रिलिमिनरी टेस्ट में यानी प्रारंभिक परीक्षा में, और वनडे एग्जाम्स के सभी परीक्षाओं में ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने अपनी मैगजीन में इसको बहुत विधिवत कवर किया है, और आपको हर महीने ये मैगजीन आपके हाथ में जाएगी और आपकी तैयारी को एक नए दिशा दे सकती है अगर आप इसका रेगुलर अध्ययन करेंगे तो। इसके बाद खेल है, खेल से संबंधित करंट अफेयर्स आता है। खेल से संबंधित करंट अफेयर्स में जैसे क्रिकेट है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो अगले इशू में इससे संबंधित चीज़ें आएंगी, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, या फिर अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट खेल, जैसे चेस हो गया, इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर्स आते हैं, संक्षिप्तिकियाँ होती हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, सब इसमें कवर किए जाते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स और सिविल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं।
अब मैंने जो शुरू में आपसे बात बताई कि ये मैगजीन प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, सिविल पे ही थोड़ा फोकस करते हैं, प्री मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंस जो प्री का सेक्शन होता है इसमें ज़्यादातर सवाल फैक्चुअल होते हैं, तो ये इसमें आपको मिलेगा ही। मेंस में जो सवाल होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल सवालों के लिए आपको पूरा एस्पेक्ट कवर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ब्रिक्स समिट हुई अभी भारत में ही, G20 समिट मान लीजिए, G20 समिट हुई न्यू दिल्ली में हुआ, ये कहाँ हुआ? पहले सवाल पूछ लेगा ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कब पूछे तो आप बताइए सितंबर में हुआ, कहाँ किस जगह पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। और अंदर जाके अगर पूछता है किस जगह पे नई दिल्ली में, तो प्रगति मैदान में हुआ। ये सवाल प्री के हो सकते हैं। इससे संबंधित सवाल और पूछा जा सकता है, जिसमें एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा सदस्य है जो एक 21वां मेंबर बना है ब्रिक्स का, तो आप बताएंगे अफ्रीकन यूनियन। बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये सारे सवाल प्री से संबंधित पूछे जाते हैं। अब इन सवालों के साथ साथ मेंस में क्या पूछा जाएगा, जैसे मेंस में पूछ लिया कि ब्रिक्स सम्मेलन मेंस में जैसे पूछ लिया ब्रिक्स सम्मेलन जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण रहा, यह क्वेश्चन है। इसको 200 शब्द में आपको लिखना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए आपको दो तीन कीवर्ड समझने पड़ेंगे। भारत के दृष्टिकोण से, यानी भारत में नरेंद्र मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो भारत का क्या पक्ष मजबूत हुआ ब्रिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा आपको, जब आप आर्टिकल एनालिटिकल पढ़ेंगे, यानी उसका ढंग से एनालिसिस पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इस आर्टिकल से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक बार अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो आप आगामी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो प्री और मेंस का मामला ये है, और वनडे एग्जाम्स के बारे में आपको मैंने बताया ही। अब आइए किताब के अंदर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दो टॉपिक्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमने इसको कवर किया है। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं। जैसे पहला टॉपिक है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। जैसे 18वां G20 शिखर सम्मेलन की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैगजीन में दिया गया है G20 का परिचय। अब G20 के परिचय के बारे में अगर देखेंगे आप, तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक आर्किटेक्चर एवं प्रशासन को आकार देने एवं उन्हें सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका एक परिचय है। तो ये पहला परिचय है, सबसे पहले ये। उसके बाद इसके बारे में स्थापना के बारे में बात होने लग रही है। अब इसके स्थापना के संदर्भ में बात करने के बाद देखेंगे आप G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई, इसके बारे में डिटेलिंग मिल रही है। फिर सदस्यता के बारे में बात मिल रही है आपको कि G20 शिखर सम्मेलन में 19 देश हैं, हालांकि अब देशों की संख्या बढ़कर 21 होने जा रही है जब अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल किया गया है। तो ये डिटेलिंग है। फिर आगे आप देखेंगे कि G20 की कार्य प्रणाली के बारे में भी दिया गया है। जैसे आप यहाँ देखिए G20 की कार्य प्रणाली, ये भी आपको विस्तार से इसमें मिल जा रही है कि G20 की कार्य प्रणाली क्या है। फिर वित्त ट्रैक है, फिर शेरपा ट्रैक है,
फिर संपर्क समूह क्या होता है इसमें दिया गया है, कितने संपर्क समूह हैं, बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20 आदि आदि। चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से समझाया भी गया है और आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो ये कुल मिलाकर एक डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलेगा इस किताब में, आपको सारी चीज़ें एकदम साफ साफ क्लियर होंगी। फिर केंद्रीय विषय है, जैसे कई बार वन लाइनर में पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये इसकी थीम थी। अब फिर भारत की G20 सदस्यता के बारे में जिक्र किया गया है चित्र के माध्यम से, और उसको लिख के भी बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। और फिर लोगो इसका क्या था, भारत के G20 प्राथमिकताएं क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक टॉपिक में मिल रही हैं। और वर्तमान परिदृश्य जो मैंने आपको जिक्र किया था कि इसमें सारी चीज़ें आपको इस तरह मिल रही हैं, यानी प्री मेंस SSC वन डे एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज सभी के लिए आपको जो है इसमें मैटर मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और एक जगह पे आपको मैटर, अथेंटिक मैटर, चेक किया गया मैटर, जो बार बार हम लोग चेक करके देते हैं, बिना चेक किए हम लोग कोई मैटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये एक खासियत भी है। तो ये आपको एक जगह पे पूरा मिल जा रहा है, सब कुछ आपको एक टॉपिक में मिल रहा है। तो ये G20 का है। फिर बाद में जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा है और इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेलिंग मिल रही है। तो इस तरह से हमने कवर किया है जिसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी, और ख़ासकर SSC के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे चंद्रयान 3 के बारे में भी बात हो रही है, तो चंद्रयान 3 में भी हमने बहुत विस्तार पूर्वक इसको कवर किया है। पहले वर्तमान परिदृश्य कवर कर दिया, फिर महत्वपूर्ण घोषणाएँ कवर कर दी। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि पूरा कॉम्पैक्ट व्यू आपको देखने को मिल रहा है, ना केवल विस्तार से बल्कि चित्र के माध्यम से भी दिखाने की समझाने की कोशिश की गई है, विजुअल्स के माध्यम से, ताकि यू कैन बी वेरी क्लियर कि आपको तैयारी में जो भी बाधाएं आती हैं, आपको फैक्ट्स याद ना होते हैं, वो सब सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो किताब मासिक पत्रिका है तो ये मासिक जो मैगजीन है हमारी, इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है प्री मेंस इंटरव्यू सब के लिए। प्री मेंस इंटरव्यू और फिर वन डे एग्जाम सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप इसको जाके मार्केट से खरीद सकते हैं, इसका प्राइस केवल 80 रुपये है। और एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जानना आवश्यक है, हमने इस किताब के साथ अर्पण पत्रिका फ्री प्रोवाइड की है आपके लिए। अर्पण में जिसमें UPPCS से संबंधित टॉपर्स की स्ट्रेटजी को उनके स्टडी मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ी, कैसे पढ़ी, तैयारी में क्या बाधाएं आई, उनका मोटिवेशन क्या था, कैसे उन्होंने तैयारी की, किस तरह अपने मार्ग को प्रशस्त किया, ये सारी चीज़ें भी आपको जो है एक अलग किताब में फ्री मिल रहा है। मैगजीन के साथ साथ वो अलग आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये किताब अच्छी लगेगी। फिर से कवर पेज दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये किताब आपको हमारे ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ssgcp.com, इससे भी आप जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी शॉपकीपर से जाके इसको अपने शहर में ले सकते हैं। कुल मिला के ये इसकी डिटेलिंग है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। अपने सुझावों से भी आप हमें अवगत करा सकते हैं कि आपको क्या क्या क्वेरीज हैं, आप किस तरह से और परिमार्जन चाहते हैं हमारी पुस्तकों में, आपका स्वागत रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए मैं आलोक त्रिपाठी विदा लेता हूँ। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार।